खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे महायुद्ध के अलार्म की। दरअसल आपको बता दें कि हमास चीफ को पहले देखिए उसका जनाजा निकला, इसके बाद हिजबुल्ला के कमांडर को मिट्टी में मिला दिया गया। इसके बाद से ईरान ने कसम खा ली है कि वो बदला लेकर रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल ने भी ये कह दिया है कि वो इस जंग से पीछे नहीं हटने वाला है। लेकिन सबसे अहम बात ये कि इस वॉर में आपको बता दें कि अब सुपर पावर देश यानी कि अमेरिका भी एंट्री लेने जा रहा है, जिसके बाद से अब महाईस्ट में भी लोग जो है उनके अंदर काफी चिंताएं सताने लगी है कि अब आखिर क्या होने वाला है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से दोनों ही तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है। इज़राइल को कोई छेड़ता है तो वो उसे छोड़ता नहीं, और ये एक बार फिर साबित हुआ। 48 घंटे पहले हमास चीफ और फिर हिजबुल्ला कमांडर को जहन्नुम भेजने के बाद भी इज़राइल ईरान की कमर तोड़ने का काम कर रहा है। अब इज़राइल ने सीरिया के अंदर अलकुसैस के पास अल्डाबा हवाई अड्डे को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट ईरान और क्षेत्रीय आतंकवादी समूहों के लिए एक लॉजिस्टिक हब के रूप में काम कर रहा था। इस हमले में इज़राइल ने हिजबुल्ला और ईरानी मिसाइलें तबाह कर दी। इन हमलों के बाद ईरान बदला लेने के लिए छटपटा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने इज़राइल पर हमला करने का आदेश जारी किया है। वह इज़राइल को कई देशों और समूहों की तरफ से गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई। इन धमकियों के बीच इज़राइल ने भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली। Hezbollah is a global terror organization that poses a global threat. Their ongoing aggression and attacks are dragging the region into a wider escalation. As we have said many times, while we prefer to resolve hostilities without a wider war, we remain fully prepared for any scenario. हानिया की मौत के बाद से पूरे पश्चिमी एशिया में तनाव खतरनाक स्तर पर है और महाजंग का काउंटडाउन शुरू होने की बात कही जा रही है। हमास चीफ की मौत के बाद ईरान, लेबनान, चीन, तुर्की, मलेशिया और कतर जैसे इस्लामिक देशों ने दुख जताया, लेकिन उन्हें इज़राइल पर हुआ हमला नहीं दिखाई दिया। और इज़राइल को घेरने की जो तैयारी की जा रही है, इस तनातनी के बीच इज़राइल को सुपर पावर अमेरिका का साथ मिल गया। जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो इज़राइल को ईरान और उसका समर्थन करने वाले आतंकी समूहों से बचाने के लिए तैयार हैं, और वो अपने सैनिक भी तैनात करेंगे। अमेरिका की तरफ से 12 युद्धपोत तो 4000 से ज्यादा सैनिक तैनात होने की बात कही जा रही है, जिसमें कुछ सैनिक ईरान के करीब और कुछ इज़राइल के आसपास समंदर वाले क्षेत्र में हैं। साहब के लिए भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास ने इज़राइल में रह रहे नागरिकों को गैर जरूरी यात्रा से बचने और सुरक्षित ठिकानों के पास रहने के लिए कहा है। साथ ही स्थानीय अधिकारियों की तरफ से यह तय किए गए प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया। इसके अलावा आपात स्थिति में दूतावास की 24/7 हेल्पलाइन पर संपर्क करने के लिए कहा गया। दूतावास ने दूरसंचार के साथ ईमेल भी जारी किया। साथ ही जिन भारतीयों ने दूतावास में रजिस्टर नहीं किया है, उन्हें तुरंत एक लिंक से रजिस्टर करने के लिए कहा है। ईरान, हिजबुल्ला, हमास और इज़राइल की इस जंग में एक के बाद एक देश कूद रहे हैं, जो इशारा कर रहा है कि एक बार फिर दुनिया महाजंग के मुहाने पर पहुंच गई है और ये जंग बहुत भयानक होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट।
और रिपब्लिक भारत। रेड अलर्ट तो जारी हो चुका है और ऐसे में उसी काउंटडाउन के बारे में हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे दिखाएंगे। यहां पर देखिए ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले का आदेश जारी हो चुका है। इजराइल की तरफ से देखिए बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम हर हमले से निपटने के लिए तैयार है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान के खिलाफ इजराइल के हम पूरे साथ है, यानी कि ये दो पावर एक साथ है, वो अकेला है। ईरान का कहना है कि हानिया की मौत का बदला लेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। इजराइल कह रहा है हमला किया तो अब भारी कीमत और चुकानी पड़ेगी। अमेरिका कह रहा है युद्धपोत लड़ाकू विमान सैनिक सब कुछ अलर्ट मोड पर है, पूरी तैयारी है। तो महाजंग का काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है, लेकिन एक तरफ बदले की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, आप आइए, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच आपको बता दें कि तमिलनाडु के मंत्री का विवादित बयान सामने आया है और ये मंत्री है शिवशंकर, जिन्होंने बयान दिया है, बयान राम को लेकर दिया है और ये कहा है उन्होंने कि राम के वजूद का कोई सबूत ही नहीं है। तो देखिए बार बार राम को लेकर इंडी गठबंधन की तरफ से जो बातें कही जाती है, इससे साफ लगता है कि एक बार फिर से इंडी का हिंदू विरोधी चेहरा जो है वो उजागर हो गया है। तो देखिए तमिलनाडु के मंत्री हैं शिवशंकर, उनका बयान सामने आया और ये कहा गया है कि राम के वजूद का सबूत नहीं है, राम अवतार होते तो जन्म ही नहीं होता, अगर जन्म हुआ है तो वो भगवान नहीं है, ये कहा गया है तमिलनाडु के मंत्री शिवशंकर की तरफ से। और वहीं आपको बता दें बीजेपी का इंडी गठबंधन पर हमला, वो कह रहे हैं कि भाई इंडी गठबंधन का हिंदू विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। इनके हलफनामे में भी, यूपीए के हलफनामे में साफ तौर पर था कि कैसे हिंदू विरोधी बातों का जिक्र कर रहे हैं, हिंदू विरोधी लगातार सोच अपनी दिखा रहे थे। ये आपको जानकारी दे दें, बड़ी खबर, बीजेपी का इंडी गठबंधन पर यह करारा हमला, इंडी गठबंधन का हिंदू विरोधी चेहरा उजागर हुआ है, क्या कुछ कहा बीजेपी ने आप सुनिए। इंडी अलायंस का असली हिंदू विरोधी राम विरोधी चेहरा सामने निकल कर आ गया। डीएमके के मंत्री जिनके ऊपर अनेकों प्रकार के आरोप लगे वो कहते हैं कि प्रभु श्री राम का अस्तित्व नहीं, उनका कोई इतिहास नहीं। बताइए कि ये वही पार्टी है जिसने कहा सनातन समाप्त कर देंगे, ये वही पार्टी है जो सनातन की तुलना बीमारी से करती है। राहुल गांधी पार्लियामेंट में खड़े होकर बड़े बड़े उपदेश देते हैं, शिवजी की बारात के बारे में बोलते हैं, परंतु बताइए क्या डीएमके के ऊपर कुछ टिप्पणी करेंगे राहुल जी? नहीं करेंगे, क्योंकि राहुल जी की खुद की पार्टी का फिलॉसफी है वोट बैंक के लिए जो चाहिए ताली तो दो हिंदुओं को गाली। राम जी के अस्तित्व को किसने नकारा था यूपीए की सरकार में? उन्होंने तो हलफनामा देकर नकारा था। राम जी के मंदिर का विरोध किया, 70 सालों तक लटकाया अटकाया भटकाया, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए और हिंदू टेरर, हिंदुत्व आईसिस और बोको हराम की तरह है, ये सारी टिप्पणियां भी की। अभी तो राहुल गांधी ने स्वयं कहा हिंदू हिंसक होता है, ये राहुल गांधी ने स्वयं कहा कि राम जन्मभूमि के आंदोलन को हमने हरा दिया, रामनगर का तो नाम बदल दिया कर्नाटका में, तो राम के प्रति कितनी घृणा और नफरत का भाव है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं बारिश से मची तबाही की और खबर आपको वायनाड की बता देते हैं, जहां पर मरने वालों की संख्या है इजाफा हो गया है, अब आंकड़ा जो है 338 तक है वो पहुंच गया है। तो लगातार देखिए जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो आंकड़ा है मरने वालों का उसमें भी बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की जा रही है, क्योंकि लगातार वहां पर, क्योंकि देखिए भारी तबाही की तस्वीरें वहां से लगातार निकलकर सामने आ रही है। लैंडस्लाइड हुआ था जिसमें एक साथ चार चार गांव जो तबाह हो गए थे, कहां गए जो लोग उस गांव में मौजूद थे, नामो निशान जो है पूरी तरीके से मिट चुका है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और अब मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है, 338 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। तो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी भी सेना की टीम, एनडीआरएफ की टीम लगातार डटी हुई है। और इसी भी देखिए सोनप्रयाग की अगर बात करें तो वहां पर रेस्क्यू का काम लगातार जारी है, 7,500 लोगों का रेस्क्यू अब तक किया गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना के जवान लगातार जुटे हुए हैं फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट करने में, उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए। और आपको बता दें ये आंकड़ा 7,500 का बताया जा रहा है, बढ़ भी सकता है। लैंडस्लाइड और भारी बारिश की वजह से सड़कें तबाह हो गई थी जिसमें कई लोग फंस गए थे। आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखाते हैं।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार राज्य के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और गढ़वाल आयुक्त के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं कि यात्रियों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। और ये आप तमाम तस्वीर सोनप्रयाग की देख रहे हैं, SDRF और NDRF लगातार उनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक की बात की जाए तो 7,220 से अधिक